कुलबीर सिंह रोन कलाइया पाडर मचेला कुलबीर सिंह रोन कलाइया ओ नील मखाना डीवटी ओ आया चंडी माने आप बुलाया जी ओ नील मखाना डीवटी ओ आया चंडी माने आप बुलाया जी ये रोन कलाइया पाडर मचेला कुलबीर सिंह रोन कलाइया जी रोन कलाइया पाडर खड़ा करो जिस जिसको अपने आप पे सनातनी होने का गर्व है तो एक बार जयकारा लगाएंगे बाबा कुड़मा जी का जयकारे बाबा कुड़मा जी का सच्चे दरबार की जय दरबार की दरबार की बाबा कुड़मा देवता की एक बार क्योंकि हमारे पसियाल में पहली बार कोई तहसीलदार जी आए हैं तो एक बार हम इनका स्वागत करेंगे तालियों से एक बार अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो गरदौर जी हैं मिलाप सिंह जी उनका स्वागत करें और तालियों से हम सब स्वागत करेंगे तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए तो हमारे यहाँ पे बाबा कुड़मा जी के मंदिर में पहली बार तहसीलदार सर आए हुए हैं कोई भी तहसीलदार नहीं आया आज तक तो सर आए हैं इनका पूरी कमेटी की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर जो हमारा ये मंदिर है आप सब आप भी जानते हैं लगभग रोड से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है तो सर अगर आपसे भी रिक्वेस्ट है कुछ अगर ऐसी योजना बने हमारा रोड का जो काम है रुका हुआ है अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें और हमारे यहाँ पे सर देखोगे आप लाइट की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है एक बार उस पर भी थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम तो एक बार सर आप यहाँ पे आए हुए हैं तो एक बार आप अपना एक्सपीरियंस हम सबके सामने शेयर करेंगे आपका कैसा अनुभव रहा यहाँ का तहसीलदार सर आप सभी को जय बाबा कुड़मत बोलता हूँ और यहाँ की जो कमेटी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ निशु जी मेरे पास गए थे तो मैंने इनको बोला था कि मैं आऊँगा मैं पिछले साल भी इधर ही था लेकिन मैं नहीं आ सका तो शायद मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो हम थोड़े प्लेन एरिए के रहने वाले तो चलने की इतनी आदत नहीं होती तो इसकी वजह से लेकिन इस बार हमने सोचा कि हमने जाना है
अब मुझे ये बोला गया कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छी जगह है और एक धार्मिक टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, एक देवस्थान है बाबा जी का और खुली जगह है, मौसम अच्छा है, तो ऐसी जगह पे आके इंसान को एक सुकून मिलता है, प्लेजेंट फील करता है। क्योंकि आपको पता है आज का जो जहाँ हम जाते हैं गाड़ी वगैरह इतना धूम, तो यहाँ बिल्कुल आप देखो कितना अच्छा हवा है, मौसम है। तो दूसरा देवस्थान है बाबा जी का, तो आप यहाँ अगर कोई प्रेयर करोगे, माथा टेकोगे, तो आपको ऐसे अच्छा लगेगा, मैं अंदर से फील होगा कि ये कितना प्लेजर है। तो तभी इतने लोग आए हैं, कुछ तो होगा। हम तो मैं तो पहली बार आया हूँ, तो इतने लोग आए हैं, इतने लोग मानते हैं, तो बाबा जी की मान्यता होगी। तो मैंने ये भी सुना है लोगों से कि जो भी लोग जहाँ प्रेयर करते हैं तो उनकी जो मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। तो ऐसी जगह जो है बहुत कम होती हैं, ऐसे देवस्थान बहुत कम होते हैं। आप कहीं नीचे वाले प्लेन एरिया में चले जाओ तो वहाँ इतना भीड़ भड़क्का है और पोल्यूटेड हो गए हैं वो पूरे, तो ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। तो ये इसको मैं आज कमेटी को बोलता हूँ कि इसको एक धार्मिक टूरिज्म जिसको बोलते हैं ना, जैसे लोग अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, मछेल यात्रा में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो इस तरह से इसको डेवलप किया जाए। हाँ, ये देखा कि यहाँ सुविधा नहीं है, ये मैं बिजली के तारें देख रहा हूँ, वो भी वो पेड़ों के ऊपर लगी हुई हैं, तो ये हम टेकअप करेंगे। हाँ, रोड का है इशू आपका, वो सबकी नॉलेज में है, आपके जो यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, DDC हैं, BDC हैं, या MPs हैं, उनकी भी नॉलेज में है जी। तो ये समय जो समय ये लोग वहाँ टेकअप करते रहें, तो हमारी तरफ से जो होगा हम पूरी हेल्प करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का, कमेटी का, बाबा जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि जब तक कोई बुलाए ना तो नहीं आ सकता, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, तो उन्होंने बुलाया तो अपने आप आ गए हम। तो सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं बाबा जी से कि आने वाले समय में ये जगह और डेवलप हो और जितने भी यहाँ लोग आए वो बाबा जी के टूरिस्ट बन के आए, बाबा जी की मान्यता को लेकर आए, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो शुक्रिया, जय हिंद। जगवीर जी, उनका यहाँ पे बाबा जी का पटका डलवा के स्वागत किया जाए। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुरेश जी से आग्रह है, हमारे जो SHO साहब हैं विक्रम जी, उनका बाबा जी का पटका डलवा के स्वागत करें। सुरेश जी, कुलदीप जी से आग्रह करूंगा, हमारे बीच श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान जो कि पूरे हमारे बटोत ब्लॉक का कार्य देख रहे हैं सनातन का, उनका भी एक बार स्वागत करें बाबा जी का पटका डलवा के। कुलदीप जी इस साइड से आगे आ जाए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जयकारा बाबा कुड़म जी का। अब SHO साहब से भी विनती करते हैं, एक बार सर आप भी अपना एक्सपीरियंस हम सबके समक्ष। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह की गैदरिंग आई है यहाँ पे, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे तो लगा कि ऐसे ही, मैंने पहले अपने थाने वालों से कंफर्म किया था, वो कह रहे थे कि हार्डली यहाँ पे 1500-800 लोग आते हैं, लेकिन आज की गैदरिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी जगह पे आने के लिए आपको जो है मन में वैसा ही विचार रख के आना है यहाँ पे, ना कि कोई और सोच रख के। तो वैसे भी मोस्टली जो भी हैं
यंग जनरेशन बच्चे बच्चे सब आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ कि बाबा जी जो है आप लोगों की सबकी मनोकामना जो है पूरी करें, जिस तरह से जिसने भी जो भी मनोकामना अपने मन में रखी हो वो पूरी करें। ठीक है, जय बाबा कुरमत देव जी की। एक बार जगवीर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका एक्सपीरियंस, आप तो बहुत पुराने यहाँ पे आते हैं, एक बार अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं। जय बाबा कुड़मा जी। मैं सबसे पहले यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो हमारा हर साल के तरह, जैसे कि ये जो मुहिम 35 साल पहले शुरू की थी, उसको दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और दिन ब दिन ये गैदरिंग जो है, ये लोग जो हैं, ये हमारे जो भक्त हैं बाबा जी के, वो बाबा जी के दरबार में आते हैं। और मैं इस कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ये इन्होंने जो ये प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम जो यहां पे किया, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही धूमधाम से ये प्रोग्राम किया। मैं कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आप बाबा जी के दर्शन करने आए, और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि हम यहां बाबा जी के दर्शन करने हर साल हमें मौका मिलता आने का, कई बार नहीं भी आना होता, पर मैं अपने आप को मैं ये मानता हूं कि हमें बहुत बार मैं यहां पे आया हूं, और मुझे मैं यहां का DDC हूं, आपका चुना हुआ मैं नुमाइंदा हूं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बाबा जी के लिए कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोचना, कुछ नए वक्त सोचना। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बाबा जी के लिए इस साल भी फंड्स में रखा है। बाकी हमारे तहसीलदार साहब ने बात की रोड की, तो रोड जो है हमारा चकवा वाला रोड जो आ रहा है, तो उससे हमें बहुत सहूलत मिल सकती है, बट उसमें कुछ फॉरेस्ट का इशू है, तो हम उसको टेकअप कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो रोड है वो हमारा पसियाल तक वो रोड जो पहुँच जाएगा। और मैं आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए, और यहाँ का जो गैदरिंग, जो यहाँ की शोभा आपने बढ़ाई, तो मैं हमारे SHO साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो इन्होंने अपना सिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी को देखते हुए जो इन्होंने अपने नफरी यहाँ पे लगाई थी, CRPF लगाई थी, हमारे तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो वहाँ पे इतनी चढ़ाई चढ़कर यहाँ पे हमारे पास आए, और हमारे इस प्रोग्राम की, जो हमारा ये बाबा जी का जो प्रोग्राम होता है, इसकी आपने शोभा बढ़ाई। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बाबा गुरमत जी। जय करो दरबार की, दरबार की, दरबार की। सबसे पहले तो जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, उनका मैं अपना दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप लगभग एक महीने से पूरे इस बाबा जी के भंडारे के लिए पूरे लगे हुए हैं, आपकी मेहनत आज हम सबको दिख रही है। उसके बाद जितने भी यात्रु श्रद्धालु यहां पे आए हैं, उनका भी कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और उसके बाद SSP रामबन, जिन्होंने हमारे एक फोन और एक एप्लीकेशन पे हमारे लिए इतने सुरक्षा कर्मी भेजे। उसके बाद DC साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए मेडिकल की सुविधा रखी। फिर उसके बाद उनके बाद DC साहब का भी धन्यवाद, PHE के जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 15-20 दिन से वो भी लगे हुए हैं बाबा जी की सेवा में, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बिजली विभाग वाले, वो भी बहुत दिन से लगे हुए हैं, उन सब का भी धन्यवाद। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अब भजन कीर्तन जो है हमारा चल रहा है, एक बार जो भी माताएं बहने भजन कीर्तन, भजन गाने के इच्छुक हो, एक बार यहाँ पे आगे आके गा सकते हैं नाम लिखा के। फिर उसके बाद हमारा डोगरी कोड होगा, तहसीलदार सर, SHO सर, एक बार डोगरी कोड भी देख के जाना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। मचेल वाली दा हे माँ मेरी सच्चियां जोतां वाली, माता जी थोड़ी सदा ही जय। हो पाडरे दा नजारा हो मैया रानी, पाडरे दा नजारा हो, पाडरे दा नजारा हो मैया रानी, पाडरे दा नजारा हो, ओ गंगा दा किनारा हो मैया रानी, गंगा दा
किनारा हो गंगा दा किनारा हो मैया रानी गंगा दा किनारा हो शल शल हन पाडर री तारा शल शल हन पाडर री तारा सुनने गबरू मौज बहारा सुनने गबरू मौज बहारा सुनने गबरू मौज बहारा तत्ते पानी री दारा हो मैया रानी पानी री दारा हो पानी री दारा हो मैया रानी पानी री दारा हो पाडरे दा नजारा हो मैया रानी पाडरे दा नजारा हो ओ गंगा दा किनारा हो मैया रानी गंगा दा किनारा हो ओ द्वारा द्वारा शिरडा बाड़ा सब निक प्यारा हन तैना द्वारा 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 शिरडा बाड़ा सब निक प्यारा हन तैना द्वारा आई लैना मैया रानी आई लैना हो तेरिया मचेला सा आई लैना हो आई लैना मैया रानी आई लैना हो तेरिया मचेला सा आई लैना हो ओ द्वारा द्वारा शेड़ा बड़ा सब निक प्यारा हन तैना द्वारा 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 शेड़ा बड़ा सब निक प्यारा हन तैना द्वारा ओ ची ठारी बसी चंडी माता हो चंडी तारी भी हो सारे उची थारी बसी चंडी माता हो चंडी माता हो पाडर मचेल बसी माता हो बसी माता हो पाडर मचेल बसी माता हो बसी माता हो ओ देव भूमि हन पाडर ठारा देव भूमि हन पाडर ठारा गरा गरा देवी देवतों का वासा गरा गरा देवी देवतों का वासा अटल ज्वाला माता शीतला माता शीतला उची थारी बसी चंडी माता हो पाडर मचेल बसी माता हो शगति निराली तैना रूप अनेका शगति निराली तैना रूप अनेका चंडी रूपधारी माता बैठी तू चनोता चंडी रूपधारी माता बैठी तू चनोता चिट्टो संगासन चंडी शीतला माता शीतला उठी ठारी बसी चंडी माता हो पाडर मचेल बसी माता हो जय करा मचेला वाली दा ओ मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो 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 ओ मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो ओए जम्मू शहर वल जायो मेरी मां दी चुनरी ले आयो कोई जम्मू शहर वल जायो मेरी मां दी चुनरी ले आयो कोई जम्मू शहर वल जायो मेरी मां दी चुनरी ले आयो कोई जम्मू शहर वल जायो मेरी मां दी चुनरी ले आयो चुनरी दा रंग लाल परांदा लंबा लायो चुनरी रंग लाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो कोई कटरे शहर वल जायो मेरी मां दा चोला ले आयो कोई कटरे शहर वल जायो मेरी मां दा चोला ले आयो चोले दा
चोले दा रंग लाल परांदा लंबा लायो चोले दा रंग लाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो कोई दिल्ली शहर वल जायो मेरी मां दा चूड़ा ले आयो कोई दिल्ली शहर वल जायो मेरी मां दा चूड़ा ले आयो चूड़े दा रंग लाल परांदा लंबा लायो चूड़े दा रंग लाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो मेरी मां दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो जयकारा शेरा वाली दा दरबार की जय हो आई गया मेरा मलकानी आई गया जय जय बाबा कुड़मत दी 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 सौन महीने दा पहला तार सौन महीने दा पहला तार सजी गया कुड़मत दरबार सौन महीने पहला तार सजी गया कुड़मत दरबार रौनका जंगल चलाई गया मेला मलकानी आई गया रौनक जंगल चलाई गया मेला मलकानी आई गया मेरा मलकानी आई गया महिमाए दी सदियां पुरानी पानिये दे नागन नशानी महिमाए दी सदियां पुरानी पानिये दे नागन नशानी चंदा मिठाया अमृत बुलाई गया मेला मलकानी आई गया मेला मलकानी आई गया भगत तेरे लांदे जयकारे उचड़ा टकदी थी नजारे भगत तेरे लांदे जयकारे उचड़ा टकदी खीन नजारे करिए बसां जग आई गया मेला मलकानी आई गया जय जय बाबा कुड़मत दी सेवाए दी जिन्ने लाई ओ तीर्थ रामन छड़ी चलाई ओ ढोलक रागा नाल
मिंदला वाली दी सोनी मूर्ति सुहानी है, 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 जगमग तेरे जगते जगती नौरानी है, जगमग जगते तेरे जगती नौरानी है, जगमग ज्योत तेरे जगती नौरानी है, जगमग ज्योत तेरे जगती नौरानी है, तेरे मिंदला वाली दा अदरे मिंदला वाली दा अदरे मिंदला वाली दा मलना ओटोलक ओटोलक रागाना ओटोलक रागाना मिंदला वाली दा कुछ गुण गाने गाउंदा है, 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 चंडी रानी कोलो खाली चोलियां पर आंदा है, चंडी रानी कोलो खाली चोलियां पर आंदा है, ओ चलो चलचा चलो चल जा मिंदल दरबार ढोलक रा गाना ढोलक रा गाना मिंदल वाली दा कितिया किशोर दर जान दी तैयारियां कितिया किशोर दर जान दी तैयारियां चंडी रानी ने सारी संगतां के तारियां चंडी रानी ने सारी संगतां के तारियां कितिया किशोर दर जान दी तैयारियां चंडी रानी ने सारी संगतां के तारियां ओ संगतां नाल संगतां ने रलना ओ संगता नाल संगता ने रलना ओ बोल के जे करे माई दे ओ बोल के जे करे माई दे उठ लग्या मिंदल दरबार तू मेरी भी पुकारा ओ चंडी माता महारानी सुहाना लगता है बाबे का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है ओ बाबे का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है बाबे का दरबार सुहाना लगता है बाबे का दरबार सुहाना लगता है ताली जोर की बजनी चाहिए भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है बाबे का दरबार सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है हमने तो बड़े प्यार से कुटिया सजाई है हमने तो बड़े प्यार से कुटिया सजाई है कुटिया में बाबे तेरी मूर्त बसाई है कुटिया में बाबे तेरी मूर्त बसाई है ओ हमने तो बड़े प्यार से कुटिया सजाई है हमने तो बड़े प्यार से कुटिया सजाई है कुटिया में बाबा तेरी मूर्त बसाई है कुटिया में बाबा तेरी मूर्त बसाई है अच्छा हो अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है अरे अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है ओ बाबे का दरबार सुहाना लगता है
भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां लगे प्यारी, रंग बिरंगे, तालियां हाथ ऊपर करके बजाएंगे, तालियों की आवाज आनी चाहिए। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां लगे प्यारी, रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां लगे प्यारी, हमको तो बाबा तेरी सूरत लगे प्यारी, हमको तो बाबा तेरी सूरत लगे प्यारी। अच्छा जय हो, अच्छा हमको तुम्हें सुनाना लगता है, अरे अच्छा हमको तुम्हें सुनाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, ओ बाबे का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, बाबे का दरबार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। जय करो बाबा कुड़मा जी दो, बोल सच्चे दरबार की जय। तो मैं चाहूंगा बाबा जी के कुड का समय हो चुका है, सभी श्रद्धालु आगे आगे आ जाएंगे। जातियों में बटेंगे नहीं, जातियों में बटेंगे नहीं, पहले राष्ट्र नो कास्ट, पहले राष्ट्र नो कास्ट। तो मैं बोलूंगा पहले राष्ट्र, आपने बोला नो कास्ट, ठीक है। पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र। तो हमें सबको आज दरबार में आए हैं, हमने सबने संकल्प लिया है हम जात पात में नहीं बटेंगे, हम हिंदू होके रहेंगे। बहुत षड्यंत्र चले जा रहे हैं हमें तोड़ने के, पर हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं और हम हिंदू होके रहेंगे। हम ऊंच नीच भी खत्म करेंगे और जात पात भी खत्म करेंगे, तो हम सनातनी होके रहेंगे। हम सबका फर्ज है, मनुष्य होना भाग्य की बात है पर हिंदू होना सौभाग्य की बात है। एक मनुष्य में जन्म लेने के लिए पता नहीं कितने पुण्य करने पड़ते हैं, पर हिंदू होने के लिए उसके उस हिसाब से 100 गुना ज्यादा हमें पुण्य करने पड़ते हैं। तो हमें सबको गर्व होना चाहिए अपने आप में हिंदू होने का। तो उसी के साथ आप सब अभी हम कुड डालेंगे।
जय बाबा। माताएं बहनें भी आ जाएं। माताएं बहने एक बार सर्कल बना लेंगे पूरे अच्छे से।